बुजुर्गों, भैनों ते भरावो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैंने बड़ी खुशी हो रही है कि मोहाली दे विच आधुनिक किस्म का 350 बिस्तरिया का एक बहुत ही शानदार हॉस्पिटल का नींह पत्थर रखने का मैंने मौका मिल रहा है। सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी की अगांहवधू सोच सदका इन्होंने ये सोच के इस एरिए दे विच पी जी आई ते बहुत बड़ा भार है, बहुत रश हुंदा है, साढ़े लोगों वास्ते एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल की इस एरिए दी जरूरत सी, जिथे ये मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं बतौर हेल्थ मिनिस्टर, उत्थे एक वधिया हॉस्पिटल भी ये लेके आए है। मैनू तो नींह पत्थर रखण का ही मौका मिल रहा, करिया कराया सारा कुछ इन्होंने, इन्होंने मुबारकबाद जी। मैं तो अपने इस करके धन्नवाद समझ रहा कि मेरा जिला है इन्हों का इलाका है, पर मेरा जिला भी है, तो सारे जिले में क्या ये पंजाब के लोगों ही इसका फायदा होना है, क्योंकि जिन्हें भी एक्सीडेंट केस आते हैं पी जी आई भजते हैं उत्थे पूरी जगह नहीं मिलती। ये 350 बेडेड हॉस्पिटल बनना है, और मोहाली जिस तरह बढ़ रहा है, मेरे दिन वो भी याद है जब अकाली मेरे नाम वो ऐसी स्कीम जी लेके आए है वो थले कर देने 25,000। जिस तरह इन्होंने कहा कि जी इकनोमिकली वीकर सैक्शन जोड़े गरीब लोग है उन्होंने घर नहीं है, उन्होंने ऐसी बहुत ही सरल स्कीम के नाल बहुत ही सस्ती जी नॉमीनल जी किस्त लगा के 25,000 मकान बना के देन लगे है, जिदे मोहाली मजोरिटी मकान बन गए। बंदा बहादुर सिंह जी का जिहड़ा ये यादगार बनिया जी सड़क जाती है वो जिस तरह सिद्धू साहब ने कहा मेरे को डिपार्टमेंट है वो बंदा बहादुर सिंह जी की यादगार का, लेकिन उस सड़क में भी असी चौड़ी करके इसे 2-3 महीनों जो पैसे कर जिस तरह सिस्टम चलना सिद्धू साहब नाल होकर बना लेंगे असी कर लेंगे। नाल मेरा मैं भी थोड़ा जहा लाहा ले लवा, एक सनेटा की आपने जी डिस्पेंसरी है उन्होंने PHC बनाना, तो असी मैं भी लाहा लेन लग्या कि घड़ूए की जी सा मेरे हल्के की PHC है उन्होंने असी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना देंगे, इतने 7 डॉक्टर बैठ लगेंगे। एक बड़ा जरूरी है कि दुकानदार ने जो खोखा छोटी दुकान है ऊपर तो छत खाली है, फिर हूँ जिहदी दुकान है उसी की छत है, उसके वास्ते असी पॉलिसी सिद्धू साहब बना दें वो अपने उपर छत लवे, वो असी बड़ी छेती दे देंगे यह जे काम तो मेरे छेती छेती करा लो। जिन्ना क टाइम मिले मैं चाहना कि गरीब और मिडल क्लास के जोड़े लोग है उन्होंने मैं ज़्यादा तो ज़्यादा दे देव, ज़्यादा तो ज़्यादा उन्होंने काम कर देव, क्योंकि मिडल क्लास एक ऐसी क्लास है अलीट क्लास है एक उसके उपर अमीर की, जिन्हों बारे सोचने की सानू कोई लोड़ नहीं, ना उन्होंने साड़ी सिफारिश की लोड़ है, वो आपे कराई जाते अपना सारा कुछ। सोचने की लोड़ है उन्होंने लोगों वास्ते जिन्हों वास्ते कोई सोचता नहीं, इस करके मैं दिन रात अपना दे रहा। पहला मुख्यमंत्री का लोग पूछते सी यार ये वर्किंग आवर क्या है, हूँ मेरे बारे लोग पूछते यार ये नॉन वर्किंग आवर कि उल्ट होया वह काम, पहला कहते काम कद करता हूँ ये कहते भी कद वेला होंगे है। सो इस करके मैं तो कहना कि मेरे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम लेके जेडे मेरे पास टाइम है वो वरत लो मनो, तो लोगों का जिन्ना फायदा हो सकता वो मैं करना चाहना, इस करके अजे काम तो पूर्ण वाले काम इतने ज़्यादा कराओ। ये दुकान अगले ने खरीद ली है उपर छत खाली पड़ी है, एक कमरा उपर बधा लेगा तो मेरा क्या जाता अगले दी एक अद्धा कागज नहीं मेरे एक
एक दस्ता कागजा का खाली कागजा पर सैन लिखा के सैन करा के रख लो, बलवीर सिंह सिद्धू जो लिख दे करेगा वो बात है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है कांग्रेस पार्टी वास्ते, मैं तो कई बार इन्हों का विरोध भी किया, मैं इन्हों का विरोध भी देखिया प्यार भी देखिया। ये जो विरोध करते भी बहुत तगड़े है क्योंकि मैं सह के देखा हो, जे प्यार करते भी इन्होंने प्यार च बहुत निघ है। सो एक अच्छा लीडर सानू इस जिले के पंजाब के मिले हुआ है, पार्टी इन्हों तो पार्टी के बड़ा काम लेना चाहती है। जिहड़ा तुहानू लग रहा है कि टैंपरेरी तौर पर जी मिनिस्ट्री से हट गए, ये नहीं है गल, असली गल इसके उपर है कि पार्टी इन्हों तो पार्टी के बड़ा काम लेना चाहती है क्योंकि अजे लीडर बहुत घट है साढ़े को जिन्हों की पब्लिक के पकड़ हो, जेडे अच्छी सोच रखते हो। सो पार्टी ने इन्हों तो पार्टी के बड़ा काम लेना ऑर्गेनाइजेशन से जो इलेक्शन होंदिया कई पार्टिया के दस्तूर होंगे कि वह अच्छे लीडर पार्टी वाल खिंच के पार्टी को तगड़ा कर दें। उ आने वाले दिनों होने वाला है, राहुल गांधी जी ने इन्हों मेरा ख्याल 10 दिन पहला बुलाया से, जाके मिल के आए हैं स्पैशली उन्होंने इन्हों बुलाया और मैनू पता है कि इन्हों कि तो पार्टी बड़ा काम लेना चाहती है, तुम पार्टी वास्ते एक एरिया सामभ के बड़ा पार्टी को आने वाले इलेक्शन अगे लेके जाओ जगह पई है वो गुरुद्वारे लेके देना चाहते हैं। मैं भी अपने मुंडे का हमने पिछे जे मोहाली जाके गुरुद्वारे ब्याह करिया, जगह गुरुद्वारे के नाल होगी तो कुछ लोग मैं फॉलो कर लग जाएंगे कि यार गुरुद्वारे से ब्याह करके लाइए लोगों के खर्चे घट जाएंगे। सो एस सी सिद्धू साहब ये गुरु नानक दरबार नू नाल दी जगह अडॉप्ट कर लेंगे। तो एक आखिर दे विच स्टेडियम का सिंथेटिक लगाना है, 5 करोड़ रुपया एस सी सिद्धू साहब नू दे देंगे उत्थे स्टेडियम दे विच लगा दे, 7 करोड़ लगना सिद्धू साहब दस रहे, 7 करोड़ ही असी इस हफ्ते थोनू सेंक्शन कर देंगे ताकि नौजवान खेडन, उन्हां दी प्रवृत्ति नशिया तो हट के खेडा वल जाए। सो अखबारा पढ़ दियो पर सानू भी याद रखने की लोड़ है जेडिया गाइडलाइन ने सरकार दिया, मैं समझना वो गाइडलाइन जी है वो सानू भुलनिया नहीं चाहिए, सानू मास्क जड़े ने जां दूरी बना के रखनी चाहिए है ता कि असी तीजी वेव तो बच सकीए। तो मैं समझना ये साडा सारे का फर्ज भी बनता है। तो अज